बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि रफी साहब आए हैं यहाँ पर, बिल्कुल सुन रहा इतनी फ्रेजेस मुश्किल है इस गीत में और काफी मुश्किल गाने गा रहे हैं। मैंने तो इनका नाम ही प्रसन्न रफी कर दिया। बिल्कुल सही बात, प्रसन्न रफी। और सही मायने में एक मौका ले रही हूँ मैं कि एक्सप्रेस करने का, एक तो आपका बहुत शुक्रिया है कि आप मेरी हिंदी बेयर कर रहे हो, मैं इतना अच्छा नहीं बोल पा रही, लेकिन जब संजय जी को सुनती हूँ तो मैं सुनती ही रहती हूँ और मुझे कुछ कहना ये भी मैं भूल जाती हूँ। तो एक मेरा एक डेयरिंग है, एक धारिष्ट है कि मैं आप सभी के सामने इंदौर में हिंदी में बात कर रही हूँ, जो मेरी इतनी सरल भाषा नहीं है मेरे लिए और मुझे आदत भी नहीं है, लेकिन आशा है कि आपको समझ रहा है मैं जो बात कर रही हूँ। मोदी जी के आने के बाद में मिलेट्स का आजकल दौर है ना, तो हम ये समझ रहे हैं कि ओरिजिनल मिलेट्स हमको तत्व तो मिल रहा है आज गीतों का, तो वो मिलेट्स दे रही है दरअसल लता जी वाले आप, क्योंकि हम वो पीसा 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 खा खा कर बहुत वजन भी बढ़ा लेते हैं और अपनी काया को भी खराब कर लेते हैं। आज आज आप जो तत्व निकाल के दे रही है ना गीतों का, वो बिल्कुल ऑर्गेनिक फूड मिल रहा है हमको आज आपके पास। तो सही है ना, थोड़ा बहुत मेरे से जो मुझसे गलतियाँ हो रही हैं तो वो आप थोड़ा नज़रअंदाज कर दीजिए उसे, लेकिन पॉइंट ये है कि जैसे अभी हमने देखा कि बरमंदा के गीत, इसमें खास तौर पे आपने जिस बात का जिक्र किया है कि लता जी घर से तो निकलती है तो शायद वो एक स्त्री है, सिर्फ स्त्री है, लेकिन जो वॉइस क्वालिटी, टोनल क्वालिटी, जिस गीत के लिए जो चाहिए वही उनके गले से कैसे निकलती थी। और खास तौर पर बरमंदा ऐसे संगीतकार थे जिनको यही चाहिए था कि उस पर्टिकुलर ही टोनल क्वालिटी चाहिए इस गीत में। देखिए इस गीत में अलग था सिंगिंग, थोड़ा शर्मिला, थोड़ा सा दबा हुआ ऐसे था, फिर स्कैनिंग भी कैसे था। फर्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्या करती है बेटा, दुनिया न देखी धड़के मेरा मन, रास्ता सजन मेरा छोड़ो। अगर उसने एक्सप्रेशन, तो ये जो टोनल क्वालिटी चाहिए थी, तो बरमंदा क्या कर रहे थे, बरमंदा लता जी को रिकॉर्डिंग के दिन फोन करेंगे सुबह, और सिंगर पसंद जी आप भी सहमत होंगे कि सिंगर का गला क्या है आप वो सुबह पता चलता है। तो क्या आज गले का मतलब गला क्या किस तरीके का हमारा अलग अलग रहता है, और एक ही दिन में सुबह अलग क्वालिटी रहती है, दोपहर में अलग टोनल क्वालिटी रहती है, सब है क्योंकि ये गला है, मशीन नहीं है। तो जानने का तरीका क्या है कि आज लता जी की आवाज कैसे है। तो बरमंदा फोन करते थे सुबह सुबह और लता जी का सिर्फ हेलो सुन के उन्हें पता चल जाता था कि आज मेरे गीत के लिए जो मुझे टोनल क्वालिटी चाहिए क्या आज वो है क्या नहीं। तो हेलो बोल के अगर उन्हें चाहिए वही क्वालिटी मिल गई तो बस इतना कहते थे कि कुछ नहीं लता, आज रिकॉर्डिंग है, ये याद दिलाने के लिए कॉल किया, और अगर नहीं है हेलो में कुछ खराश, कुछ तो भी अलग अगर टोन आया तो कहते थे नहीं लता ये बताने के लिए फोन किया कि आज का रिकॉर्डिंग है। सही बात है और उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा है। तो इस तरीके के गाने क्यों बने, वो टोन क्यों कैसे मिला, उसके पीछे इतना कुछ होता है। और अब एक ऐसा गाना सुनेंगे, बरमंदा के ही ये गाने हैं, नायिका है जया भदुर। अब अभिमान पिक्चर के सभी गाने आप याद कीजिए, अभिमान के सब गाने आलाप से क्यों शुरू होते हैं, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है। आप याद कीजिए अभिमान फिल्म के पूरे गाने, वजह यह है कि
संगीतकार ने कथा का अभ्यास किया है। उमा आती है शास्त्रीय संगीत की परंपरा से, और शास्त्रीय संगीत सीखने वाले लोग जब गाते हैं तो सीधा ऐसे फूटते नहीं है जैसे मैं अभी फूट रही हूँ। वो पहले षड्ज लगाएंगे, सा लगाएंगे, कुछ आलापी करेंगे, तभी जाके वो गाएंगे। तो वो कथा में जो है कि उमा जो है शास्त्रीय संगीत के साधक की बेटी है, वो डायरेक्ट नहीं गाएगी। इसलिए सभी गाने आलाप से शुरू है, और ये भी गाना जो आपको सुनाने जा रहे हैं वो भी आलाप से है, लेकिन सिर्फ वो ही उसका इंटेंशन नहीं है। आलाप की प्रोग्रेशन बताते हैं कि आगे जिंदगी में क्या, उसकी जिंदगी में बहुत तूफान आने वाला है, जिसे हम मराठी अपन म्हणतो की आयुष्याला कलाट नहीं मिळणे, कुछ घुमाव, तो वो भी आलाप में रिफ्लेक्ट होता है।